हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आज हम लोग जा रहे थे एक जगह ब्लॉग शूट करने और रास्ते में हो गई बारिश और फिलहाल हम लोग थोड़ा सा थमने का वेट कर रहे हैं और 10 दिन या 11 दिन शायद बावड़ा का खाता के बाद से कोई ब्लॉग नहीं दिया हूँ। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था तो सारी प्रॉब्लम भी शेयर करता हूँ। तो फिलहाल चलते हैं जहाँ पे हम लोग ब्लॉग शूट करने जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ रील्स भी बनाने हैं। तो सोचा कि आज एक छोटा सा ब्लॉग बना दूँ और आप लोग थोड़ा शेयर कर दूँ कि यार कुछ जो भी प्रॉब्लम था आप लोगों के साथ। तो फिर बस वेट करते हैं, फिर चलते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं जी हाँ सिरको बांध, और इससे पहले मैं सिरको बांध का एक ब्लॉग ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप लोगों ने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप ज़रूर जाके देख लीजिए। और बहुत ही प्यारा सा मौसम है तो सोचिए कि चलो ना आज हम एक ब्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर करनी थी। तो सोचा कि यार दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस, तो फिलहाल हम लोग ना वहाँ पर चल के देखते हैं। दिखा दे भाई, छोर पर चलते हैं और आपको वहाँ जाके बताता हूँ क्या प्रॉब्लम था, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। और थोड़ा सा सिरको बांध का नज़ारा दिखाया था, थोड़ा पहाड़ भी दिखा दे, बहुत खूबसूरत पहाड़ है अपने पीछे का, ये देखो। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे क्या 3-4 शूटिंग किए थे कवर की, बहुत याद आता है सिरको बांध हमें। ना सोचे कि आज ना रील्स बना लेते हैं, तो कुछ रील्स बना लेंगे। और लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ कर लीजिए, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नए हो तो, और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी होगी, आप ज़रूर उसको फॉलो कर दीजिए मुझे इंस्टाग्राम में, ताकि आप हमारे रील्स भी देख सको। और ट्रैवल वाले भी उसमें रील्स डालते रहता हूँ, तो यार मुझे इंस्टाग्राम में थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इंस्टाग्राम में बहुत ही कम फॉलोअर्स हैं मेरे। और तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर सीखो से ही हैं, वही लोग अभी मछली पकड़ने वाले हैं। और भाई क्या क्या नाम है आप लोग बताओ, या शर्माओ मत यार, क्या नाम है भाई तेरा, हैं शर्मा रहे देख रहे हो, क्या नाम है भाई, देवेंद्र। और वो कहाँ गया, ये भाई देख रहे हो, ये भाई इधर आना, क्या नाम है तेरा, ले लो यार मछली वछली पकड़ो ना, हम पकड़ेंगे यार। ये तुम सिरको से ही हो, ये लोग ना मेरा ब्लॉग देखते हैं, पता है वहाँ पे एक बार बनाया था ब्लॉग तो बोल रहे पहचान गए ये लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग ना वहाँ से इधर आ चुके हैं और ये वाला भाग है आप देख सकते हैं सिरको बांध का। फिलहाल अभी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, नहीं तो पानी ना यहाँ तक आ जाता है। अभी फिलहाल हम लोग उस दिन फिर आ जाएंगे जिस टाइम यहाँ से पानी जाएगा। फिलहाल आज हम लोग थोड़ा सा इधर घूमने आए थे और रील्स बनाने आए थे, तो सोचा थोड़ा सा फिर से आज सिरको बांध का नज़ारा लिया जाए, पहले कि जब बनाया था ब्लॉग तो उससे थोड़ा सा अच्छा ही लुक होगा। तो फिलहाल वहाँ पे चलते हैं और आगे की कहानी ना मैं थोड़ा सा अपना जो मतलब है वो आपको वहाँ करता हूँ। मौसम भी मस्त था दोस्तों, तो सोचा यार थोड़ा सा दोपहर में से फ्री रहता हूँ तो सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना आज चलते हैं और आप लोगों के साथ तो शेयर करता हूँ कि यार मेरे जो ब्लॉग है क्यों नहीं आ रहे थे, 11 दिन हो गए थे मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था। तो सोचा यार यहाँ आता हूँ और थोड़ा सा नेचर का भी आनंद लेता हूँ और इस बांध खूबसूरत बांध का भी थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता हूँ। तो गाइस जो भी सिरको से हैं, वैसे पहले और ये ब्लॉग में सिरको से भी बहुत लोगों ने प्यार दिया था, तो आई होप कि इस वाले ब्लॉग में भी आप मुझे थोड़ा सा प्यार ज़रूर देंगे। और जब अच्छे से भर जाएगा, अच्छी बारिश होगी ना, तो ज़रूर आऊँगा एक बार अच्छे से यहाँ का ब्लॉग बनाने के लिए। और बहुत खूबसूरत सा यह बांध है और हमारे बसना अंचल की तरफ का यह बांध बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ फ़ोटोशूट के लिए भी मैक्सिमम लोग आते रहते हैं और मछली पकड़ना तो भाई यहाँ का डेली का काम है, जो फिशिंग करते हैं भाई। और यहाँ से ना इधर का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, यहाँ से आप फोटो खिंचा सकते हैं सिरको डूंगर का। बहुत ही खूबसूरत सा मतलब नज़ारा और बहुत ही प्यारा सा है फीलिंग है, बस थोड़ा सा मूड फ्रेश होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टेंशन जैसा मैं हूँ अभी। दोस्तों हाँ, यही मैं आप लोगों से शेयर करना वाला था कि मैं 10 दिन से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि रथ यात्रा के बाद ना मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके पहले रथ यात्रा के टाइम भी ख़राब था पापा का, और उसके बाद मैंने बसना में एडमिट किया था। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से उनकी तबीयत थी ना वो फिर ख़राब हो गई। उसके बाद गांव में कंटिन्यू उनका 3 दिन बॉटल जगह था उनको, तो
यार बिल्कुल भी टाइम भी नहीं मिल रहा था, प्लस मूड भी था ना वो ऑफ था, तो ऐसे सिचुएशंस में साला ब्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा था और टाइम तो निकलता ही नहीं है दोस्तों। अभी रेगुलर ब्लॉग डाल पाना मेरे लिए पॉसिबल तो है ही नहीं, और मेरे लाइफ स्टाइल ब्लॉग तो आप लोग देखोगे नहीं, और मेरे लाइफ स्टाइल में कुछ खास है भी नहीं जो आप लोग को दिखा पाऊँ। मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है कि यार लाइफ स्टाइल में, और आप लोग को मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी नहीं दिखाता दोस्तों, बस शेयर जरूर कर देता हूँ थोड़ा सा कि हाँ मैं प्रॉब्लम्स हूँ, बट मैं अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में आप लोगों के साथ कभी दिखाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊँ आप लोगों को, अपने जो भी कहीं जाता हूँ अच्छी चीज़ों को दिखाऊँ, मतलब लोगों से मुझे सिंपथी नहीं पाना है, मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम दिखाऊँ, इसलिए मैं कभी भी अपनी लाइफ स्टाइल ब्लॉग को ज़्यादा पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं करता। और फ़िलहाल अभी बारिश होने वाली है, फिलहाल निकलते हैं, तो जगदलपुर के दो ब्लॉग अभी बचे हुए हैं, शायद चापड़ा की चटनी और चित्रकूट बचा हुआ है, तो वो उसको लाऊंगा, और इसके बीच बीच में कभी कभी निकलने की कोशिश ज़रूर करूंगा आप लोगों के लिए ब्लॉग लाने के लिए। दोस्तों मैं ना सोच रहा था कि ना यूट्यूब ना मतलब छोड़ दूँ या फिर ब्लॉग बिल्कुल भी अभी नहीं डालूँ, बट मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, और हमेशा वो बोलते हैं कि भैया भले ही वीडियो लेट डालो पर यूट्यूब छोड़ना नहीं है, आप लोग यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे मिले और आप यूट्यूब छोड़ दो तो हमें बुरा लगेगा। तो बात उन्होंने सही कहा है कि यार कुछ दोस्त है, कुछ भाई जिनको मैं मानता हूँ, और मैं उनको कभी सब्सक्राइबर नहीं बोलता, वो मेरे भाई हैं और मेरे सगे भाई से ही बढ़ के ऐसे कुछ है मेरे भाई लोग, तो उन्होंने ऐसा, उनके लिए मैं YouTube छोड़ने का मन नहीं करता, बट प्रॉब्लम में रह कि कभी कभी दिमाग में आ जाता है, ख्याल में आ जाता है कि यार सच में छोड़ दूँ क्या, ऐसी परेशानियाँ आती है ना कि सब तरफ से, तो बंदा ना यार हार जाता है पता है, तो यही सोच के मैं सोचता कि YouTube छोड़ दूँ, बट चलने देते हैं यार जैसे भी चले, ट्रेन लोकल ट्रेन की ही चले, बट छोड़ना नहीं है, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी कोई गल नहीं, हम धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, और अभी तो मौसम ख़राब हो रहा है, तो गाइस फिलहाल चलते हैं, आज का व्लॉग बस थोड़ा तो घूमने आए थे और रील्स भी शूट करने के लिए आए थे अब, तो टाटा बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं, अभी जगदलपुर वाले दोनों ब्लॉग मैं पोस्ट कर दूँगा, उसके बाद हो सके तो सावन सोवर में शायद कहीं जाने का प्लान है, बट देखते हैं टाइम मिल जाएंगे, अदरवाइज़ फिर नहीं जाएंगे, टाटा बाय बाय।